सरकार से सीधा सीधा मुख्यमंत्री होता राजस्थान के अंदर, तो मैं उम्मीद ये रखता कि किसानों के लिए हर तरह की मदद मैं कर सकूं, उनके लिए रहने की व्यवस्था कर सकूं, उनके लिए खाने की व्यवस्था कर सकूं, जो उनको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है, जिनके कच्चे मकान वो पक्के मकान, नरेगा जैसे बहुत सी तरीके से कार्य कराना चाहता हूँ मैं अपनी सरकार से। कैसे मंत्री चाहता हूँ मैं अपनी सरकार में, ऐसे मंत्री चाहता हूँ जिनके लोग शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री जो स्वास्थ्य चिकित्सा नहीं है, जहाँ से चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पंचायत स्तर पर चिकित्सा हो, गाँव गाँव तक चिकित्सा की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, जहाँ विद्यालय नहीं हो वहाँ विद्यालय क्यों हो। अपनी सरकार में शिक्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए मेरी सरकार के अंदर। हम अपनी सरकार के बारे में ये सोचते हैं ताकि जनता हम पर विश्वास करे, आगे भी हम को वोट दें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचेंगे हमारी सरकार में जितने गलती चल रही हैं उनको सुधारने का प्रयास करेंगे, और जनता के हित में कार्य करेंगे, जनता के बीच में जन सुनवाई करेंगे, उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। और हम सरकार से मांग करते हैं किसानों का कर्जा माफ़ हो, किसानों की जैसे भी फसल खराब हो रही है उनको मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जा सके, और हम और सरकार में ऐसे सुझाव देना चाहेंगे जैसे सरकार सुन नहीं रही है, तो सरकार को हम चेताएंगे, आगे आएंगे, हम सरकार को बताएंगे ये परेशानी हो रही है, तो सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अपनी सरकार से यह शिकायत करूँगा कि मैं सरकार को, क्योंकि सरकार वोट की चोट से ही समझ में आता है सरकार को, जब वोट आते हैं तभी हम उनको चोट देते हैं, तभी पता चलता है कि हमने कौन सी कमियाँ हैं। और हम हमारी सरकार में ऐसी योजना चलाना चाहते हैं मनरेगा, जैसे गरीबों को लाभ हो, पैसे मिले उनको, जो घर पर बैठे हैं उनको, जो कोरोना काल में इतने बिटो में हुए हों वादे, ऐसी योजना चाहते हैं हम, जैसे छात्रवृत्ति योजना है, बेटियों के लिए स्कूटी है, गार्गी पुरस्कार है, बहुत सी योजना है ताकि गरीबों के बच्चों को